पहले तो हम लोग ये चिंतन और मनन करें कि घर से यहाँ आए हैं सदगुरु कबीर सत्संग समारोह में। एक साखी याद आया कि आए थे हम फूल लोढ़न को, लोढ़न लगा कपास। यहाँ हम लोग आए हैं कुछ लेने के लिए। सुने हैं कि विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो कबीर साहब के केंद्रित एक बिंदु पर जीवन समर्पित किया है और जीवन समर्पित करके आज हमारे समाज में हमको जगाने के लिए, जनमानस को, चेतना को जागृत करने के लिए पधारे हुए हैं। तो एक बार आप लोग याद स्मरण कीजिए कि जहां हम लोग बैठे हैं, जिस धरती पे हैं, ये भारत भूमि धरती है और ये भारत भूमि सदियों से ऋषि और मुनियों का देश है, ये धरती है। हम उस देश के वासी हैं। राम कृष्ण देश का है बाबू, मत इनकर उपवास कर, पढ़ लिखा शौक कर, संग कर तू बरका के, आ यही उम्र बिसलहरी है बउआ, तो बात कही हम मरका के। ये संतों का संदेश है। शैलेंद्र साहब का प्रवचन सुन रहे थे, एक बिंदु आपके सामने में छोड़ करके गया है सुरु कबीर साहब का, कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, वस्तु कहीं है और ढूंढते हम कहीं हैं, चाहते हैं कि हाथ में आ जाए। जितने भी लोग बैठे हैं, माँ बहन भाई बाबा लोग, सबके अंदर में चाह है, सत्संग में आए हैं कि संतों का दर्शन करने के लिए आए हैं, संतों का सत्संग सुनेंगे, कुछ तो कुछ मिलेगा। आप सोच सकते हैं, संतों का जब आवागमन होता है तो जिस तरह से प्रकृति में वसंत का आवागमन होता है, प्रकृति जो है परिवर्तन लेता है, ठीक उसी तरह से जिस समाज में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस राष्ट्र में संतों का परिवर्तन होता है, वहां का संस्कृति, वहां का संस्कार सुगठित और सुवासित होता है। साहब जी ने आपको स्पष्ट किया कि आए थे हम फूल लोढ़न को, लेकिन लोढ़ने क्या लग गए हैं। आए थे किसको दर्शन करने के लिए, कबीर साहब ने कहा कि आए थे सेवने के लिए। किसको सेवने के लिए, तो पुराने भाषा में बाबा लोग भजन गाते थे कि जागता गुरु सेव गे मालिन, जागता गुरु सेव। जागृत अवस्था में जो संत सदगुरु है उनके चरणों में अगर आप जीवन को समर्पण करते हैं तो आपका जीवन सार्थक है। आए थे हम गुरु के चरणों में जीवन को समर्पण करने के लिए, लेकिन हम किधर भटक गए। गेट गेट यम के पहरदार गोरिया, कैसे दुल्हन वन के जेबू ससुराल गोरिया। ससुराल का मतलब देहाती भाषा होता है, लड़की का जब शादी होता है तो कहता है ये नैहर है, अब मेरा बेटी जो है ससुराल जाएगा, अब यहां नहीं रह पाएगी, ससुराल के लिए तैयारी होता है। ठीक उसी तरह से ये संसार जो है, अपार संसार समुद्र मध्य समझ जाता हूं मैं, शरणम की मिजस्ती का ये संसार रूपी सागर जो है, ये सागर में डूबते हुए का सहारा मात्र एक गुरु कृपाल है। जिस जीव पर गुरु का कृपा होगा वही जीव ये संसार से, भव मझधार से पार उतर सकता है। जैसे कबीर साहब की भजन में सरल भाषा में आप सुने होंगे गायक के द्वारा कि भवसागर अति दुस्तर, सूझे न आरो पार, बहिया पकड़ी गुरु निवाह लीजिए पार, ए गुरुवर आप मेरे बांह पकड़ लीजिए, मुझे तैरने नहीं आता है। नदी में आप अगर जाते हैं तो नदी किनार में इस पार से उस पार कौन जाता है, चाहे नाविक के सहारे चले जाए या चाहे तैर करके उस पार चले जाए। धनी धर्मदास जी का भजन आप सुने होंगे कि ये जो है, ये जो जीव जो है, ये भवसागर जो है, सराय मुसाफिर है, गहरी नदियां है, नाव पुरानी है, खेब खेब के पार लगा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम के लखा दीजिए। गुरु के चरणों में अगर जीवन को समर्पण करते हैं, गुरु के चरणों को अगर श्रद्धा समर्पण करते हैं, तो ये कबीर सिद्धांत नहीं, ये सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य है। रामचरितमानस उठा करके देखिए कि वहां गुरु की महिमा को चरण से वंदना किया गया है।
ये सनातन संस्कृति रामचरितमानस को उठा करके आप देखिए कि गुरु की महिमा कहाँ से दिया गया है, चरण से। और कबीर पंथ में भी ये परंपरा है, ये परंपरा आदि और अनंत काल से ये भारत की एक परंपरा संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति का अहंकार का क्षय तब होता है जब व्यक्ति झुकता है, और झुकता कहाँ है, माता पिता गुरु के चरणों में। हमारे पूज्याचार्य साहब का एक शब्द याद आता है कि मात पितृ गुरु सेवा करके बनो सुखी इंसान, और जो अनुसरण करे उनका ही हो जाए कल्याण। लेकिन कल्याण के लिए हम लोग क्या पूजा करते हैं, आप ही सोचिएगा। आप तो समझिए कि सप्ताह में मंगलवारी शनिवारी कौन कौन बारी चालू हो गया है, सप्ताह में जितने भी साप्ताहिक दिन है सब दिन जो है पूजा लगा हुआ है, जबकि हमारे आचार्य श्री ने स्पष्ट कर दिया कि मात पितृ गुरु सेवा करके बनो सुखी इंसान, और जो अनुकरण करे उनका ही हो जाए कल्याण। का उसी व्यक्ति का कल्याण होगा जो व्यक्ति सृष्टि का प्रथम दाता जो माँ और पिता है उनके चरणों में, और जो सद्बुद्धि तरण और तारण की हमारे उमा साहब ने स्पष्ट किया कि संत गुरु जो होते हैं, एक फल जो मुक्ता मुक्ता फल का जो चर्चा किया है, मुक्ता मणि का जो चर्चा किया है, वह मुक्ता मणि का भेद कहां आपको मिलेगा। स्पष्ट किया था कि वस्तु कहीं खोजे कहीं क्यों कर आबे हाथ, आ कहे कबीर पुकार के तो भेद ही लीजिए साथ। कबीर साहब ने कहा कि अगर तुमको मंजिल पाना चाहते हो तो सहज और सरल में संते संतों का संग करो, क्योंकि मंजिल जैसे अभी हम छातापुर में बैठे हैं, मुझे मुख्यालय जाना है सुपौल की ओर, तो दिशा और दशा तय करना होगा। जब दिशा तय नहीं होगा, दशा मेरा ठीक नहीं होगा, तो मंजिल जो है सुपौल हम नहीं पहुंच पाएंगे। जाने का इधर तो चले जाएंगे, अगर दिशा हो जाए पूर्व तरफ। तो कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि चलते चलते पग थका, अरे नगर रहा नौ कोस, अब बीच ही में डेरा गिर गया कहूं कौन का दोस्त। ये वार्षिक अधिवेशन में संत गुरुजन आपको आकर के जगाया, आपको जगा करके चेताया कि जागो रे जिन जागना, अब की जागनवार, अब का सोबहु नानका जो सोवत पांव पसार। अब सोने का समय अब है थोड़ो, सोने के लिए तो 84 लाख योनि में पड़ा था, 84 लाख योनि में विषय वासनाओं में तुम सो सो करके जीवन व्यतीत किए हो। ये शरीर जो सुंदर साधन तन मिला है इसके लिए आप जानते हैं, ये खेल खेलने के लिए मिला है। बाबा लोग से आप भजन सुनते हैं कि ये कैसे मिला है, बाबा लोग गाते थे कि 84 के धार से किनार लागल नैया, चरबत चरला है सजनिया फिर न छे एबैया। ये मनुष्य तन दोबारा आपको नहीं मिलेगा।